राजधानी के रविंद्र भवन में हिंदुस्तान आर्ट्स एवं म्यूजिक सोसाइटी द्वारा 12 और 13 अगस्त को भारत संस्कृति यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि इंडियन क्लासिक म्यूजिक और डांस के कल्चर को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के नामी शास्त्रीय संगीत के कलाकार शामिल होंगे। भोपाल के कलाकारों को भी इसमें मौका दिया जाएगा। भारत संस्कृति यात्रा हो रही है हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी के द्वारा। इस रंगमंच पे मेरे सिखाए हुए जो स्टूडेंट हैं शास्त्रीय नृत्य जो मैं सिखाती हूँ कथक और ओडिसी, तो वो बच्चे यहाँ पर अपना रंगमंच में प्रस्तुति देंगे। और मेरा ये उद्देश्य है कि हमारे बच्चे शास्त्रीय नृत्य और भारतीय संस्कृति को तो सीखें ही, साथ ही उनका व्यक्तित्व विकास हो, उनका जो है हेजिटेशन रंगमंच के माध्यम से दूर हो। तो ये दो तीन उद्देश्यों को लेकर मैं चल रही हूँ। तो ये एक अच्छा रंगमंच हमें प्राप्त हुआ है। तो इस रंगमंच में मेरे बच्चे जो है 13 तारीख को जो है स्टूडेंट मेरे वो अपनी प्रस्तुति देंगे। ये जो भारत संस्कृति यात्रा का मुख्य आयोजक है हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी कोलकाता एवं संस्कृति मंत्रक भारत सरकार, साथ में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति मंत्रक, हम लोग सब मिल के भारत संस्कृति यात्रा जो होने जा रहा है अभी कल 12 अगस्त परसों 13 अगस्त, दो दिन मिला के हम लोग का भारत संस्कृति यात्रा वहाँ पर होगा। ए फेस्टिवल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, जिसमें आपका भारत का नामी दामी कलाकार जो है शास्त्रीय संगीत के, तरुण भट्टाचार्य, रोनू मजुमदार, पद्मश्री, नलिनी कमल से लेकर के, साथ में भोपाल का भी कलाकार है और अपकमिंग जनरेशन को भी हम लोग यहाँ मंच प्रदान किए हैं। तो कल से शुरू होगा 6 बजे से, कल चलेगा 9-9:30 बजे तक और नेक्स्ट डे परसों 5 बजे से शुरू होगा 9 बजे तक। हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है, ये प्रोग्राम जो हम लोग हर जगह हो रहा है, ये मेन उद्देश्य जो है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस एलोंग विथ इंडियन आर्ट एंड कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, अपकमिंग जनरेशन को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक डांस सिखाने बोलिए या चर्चा करें, मतलब सब आर्टिस्ट बने ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन सब म्यूजिकल पर्सन बने। और ये प्रोग्राम हमको लगता है जिसके क्लासिकल म्यूजिक के साथ कोई नॉलेज भी नहीं है, सबको रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग आइए एक बार सुनिए। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है पॉजिटिव ड्रग, एक बार अगर कोई देखे सुने तो ये जिंदगी में नहीं छोड़ सकते इसको। देखिएगा बहुत बड़े बड़े IAS IPS भी हैं जो लोग पहले कर चुके अभी नहीं करने पा रहे, बट घर में कोई ना कोई टाइम मिल जाए उनको तो वो जो जो फील्ड में थे वो खुद चर्चा करते हैं। तो आप लोग को थ्रू जो सबसे हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते थे आप लोग को, जो आप लोग के थ्रू आप भोपाल का जो कल्चरल पर्सन है आप लोग को थ्रू सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं ये 2 दिन का प्रोग्राम में आए, प्रोग्राम का आनंद लें। जो बाहर से कलाकार लोग आ रहे उनको भी अच्छा लगेंगे। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।